हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नए रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बंदा गोभी का बिना प्याज लहसुन से रेसिपी। इसके लिए मैंने आलू को बड़ा बड़ा काट लिया है और बंदा गोभी को काट के उसको थोड़ा सा स्टीम कर लिया है, जस्ट थोड़ा सा ब्लंच कर लें, फिर उसका पानी निकाल के रख लें। और उसके बाद ये आलू को मैंने तेल में छोड़ दिया, इसको जस्ट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको निकाल के रख देंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और इसके मसाले के लिए नारियल को घिस लिया है, अदरक को भी घिस लिया है और टमाटर को चार पीस में काट लिया है। आज हम कोई भी पेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही घिस के अदरक और नारियल को यूज़ करेंगे। अब वो आलू को हम निकाल चुके हैं, उसके बाद तेल में ज़रा सा जीरा और हींग डाल के उसके बाद अदरक जो घिसा हुआ था उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें नारियल को भी डाल देंगे फ्राई करने के लिए। फिर वो जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक नारियल को फ्राई करें, उसका टेस्ट तब तेल में आ जाएगा तो फ्लेवर अच्छा लगेगा। उसको अच्छे से चलाएं, उसमें देखिएगा बबल्स आने लग जाएंगे। और ये स्लिट किए हुए मिर्ची है जिसको मैंने बीच से चीरा लगाया हुआ है, अगर आपको कम तीखा चाहिए तो आप कम डालिए। वैसे ये मिर्ची ज़्यादा तीखे नहीं थे इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और अब पाउडर मसाले सब डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी और धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ये सब डाल के अब अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लें कि इसकी स्मेल चला जाए। उसके बाद हम ये इसमें टमाटर भी ऐड कर दे रहे हैं। आप चाहे तो टमाटर को एकदम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं छोटा छोटा पीसेस में काट के, बट मैंने अभी डाल दिया। अब इसको भी इसी मसाले के साथ अच्छे से हम चलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। इसमें नमक मैंने डाल दिया है इसलिए टमाटर जल्दी ही गल जाएगा। मैं और छोटा पीस कर दे रही हूँ, पहले मैंने सोचा था नहीं ऐसे ही रहने देते हैं अच्छा लगेगा, पर अभी मैंने थोड़ा सा और छोटा पीस कर दिया। और ये जो बंदा गोभी ब्लंच किया हुआ रखा हुआ था उसको भी उसमें डाल के हम चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, वो धीमी धीमी मसाले के साथ फ्राई भी होते कुक भी होता रहेगा और उसका फ्लेवर भी उसके साथ मिलता रहेगा। और जो आलू फ्राई थे गोल्डन करके उसको भी डाल दिया उसमें। उसको अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लेते हैं। मसाले के साथ अच्छे से कोट हो जाने के बाद इसको हम धीमी करके ढक के कुक करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको धीरे 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 करके स्टीम में ही कुक करें, देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिना पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, और अगर आपको हड़बड़ी है जल्दी कुक करना है तो आप थोड़ा सा पानी डालिए, अदरवाइज़ आप जब ये ढक के स्टीम कराएंगे तो आलू का जो मॉइस्चर है और बंदा गोभी का जो मॉइस्चर है वो स्टीम होके उसी स्टीम वाले पानी में ही ये पूरा कुक होगा, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जब ये हाफ कुक डन हो जाए उसके बाद हम इसमें घी और गरम मसाला का पाउडर डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये बंगाली लोग का स्पेशली ये हम लास्ट में ही डालते हैं कि जब उतारने से पहले घी गरम मसाला डाल के, जो निरामिष सब्जी बोलते हैं जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होता है, किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करते, उसमें स्पेशली ये घी और गरम मसाला डाला ही जाता है और थोड़ा सा शक्कर, वो तो मेन है। मैक्सिमम डिशेस में हमारा शक्कर ऐड होता है इसलिए लास्ट ये फिनिश होने वाला है, इसीलिए हमने इसमें शक्कर डाल के थोड़ा सा चला लिया कि शक्कर भी थोड़ा सा गल के घुल जाए। बस ये रेसिपी अब रेडी है, आप देख सकते हैं आलू वगैरह सब कुक हो चुके हैं। आप चाहे तो एक आध दो को मैश भी कर सकते हैं। चलिए आज का मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, बाय बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर।